there is one more, Mukhtar Hussain. He is also intermediate. He has become superintendent, sir. Sir, and again, Rahim Farooqi Inter, Mohammed Mazharuddin SSC, Sayyed Shakil Hasan SSC, Mohammed Fayyaz SSC, junior assistant, sir. And what are their salaries, sir? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. Assistant secretaries, all SSC, sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil, who is office subordinate, sir. What is his qualification, sir? His third class pass, sir. Third class, sir. And what is his salary, sir? Sir, his salary is 54,033, sir. Sir, Vagbot doesn't have any driver, sir. No, car, sir, sorry. Ek bhi gaadi nahi hai. Do drivers hai, sir, do drivers. Driver ki tankha kya hai, sir? 51,988. Two drivers, sir. Aap bataiye, sir, ye kya hai ye? Honorable Speaker, sir, what is this? Mera dil jalta hai, sahab. I had a office boy who types in my office my speeches, I dictate him. So he was typing this and he stopped for a second and he said, Saab, aap itne paise nahi de rahe, mere ko work board mein naukri to bhi laga do, saab. Kya hai, sir, ye? Yo, this is what my heart burns, sir. Dil ko jo takleef hoti hai na, saab, is waaste hoti hai. Ke kis tarike se loot rahe hai, sir. Kiraye nahi aate, saab, barabar collect nahi hote. 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है सर मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए या सीआईडी के जरिए करिए या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर आई डिमांड दिस सर दिस इज वेरी नेसेसरी सर सो मच ऑफ एकर्स ऑफ लैंड्स आर जस्ट देयर सर ऑक्यूपाइंग जिसको चाहे ले रहे हैं हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए टीआरएस और मैं भी हाई कोर्ट में जाकर हम लड़े सर लड़े ऑर्डर है अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको कोई नहीं देखते हैं साहब आज आप बताइए सर दिल को तकलीफ होती है सर इतने वक्त प्रॉपर्टी सर आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर इतनी बड़ी बड़े पहाड़ की दरगाह उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी जिसको चाहे ले लेता है पैसे उठाता है लेके चले जाता है सर जहांगीर पुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया बस कमाया चले गया साहब कैसे साहब ये बताइए सर निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर आपको मालूम होगा बाजार में वो भी आज कब्जे में है उसको खाली नहीं कराते सर नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल सर कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर एससी एसटी बीसी के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल है they are running on their own lands. Minority residential schools and colleges are running in a rented buildings. Sir, earlier also I have requested, government should allot land. If there is no availability of government land, sir, Waqf land can be allotted for this purpose. Ek admi ke fayde ke bajaye, puri community ka fayda ho sakta hai, sir. Aukhafi zameen bas sakti hai. Lekin ye log, ye kaam nahi karte hai, sir. इसलिए मैं कह रहा हूं सर या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर बार बार हम चीखते हैं चिल्लाते हैं कितनी औकाफी जायदादें हैं सर आई हैव द लिस्ट सर इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर दिस हाउस विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा बाबा शरफुद्दीन साहब की चेंगी चिल्ला की आलोर के पास एक 1800 एकड़ चेंगी चिल्ला में 700 एकड़ मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़ यहां हाईटेक सिटी में साहब वहां पे जो है सो छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर आलमगिरी मस्जिद कितने सर देर आर सो मेनी लैंड और फिर हो रहा क्या सर वेर आर दोज लैंड गोइंग कोई एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए सर दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डिमांडिंग दैट अ वक्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट